प्रयागराज जिले में टप्पेबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला करेली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ है, जो शनिवार को अपने करेली स्थित मकान से अपनी मां के घर साउथ मलाका जा रही थी। पीड़ित महिला के अनुसार जब वह घर से निकली तो प्रयागराज जंक्शन के करीब एक फल की दुकान पर रुककर कुछ सामान खरीदने लगी। तभी पीछे से आए एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी गाड़ी पंचर है, जिसके बाद महिला पंचर बनवाने के लिए दुकान ढूंढने लगी। तभी एक शातिर किस्म के अज्ञात युवक ने महिला से बोला, पंचर की दुकान आगे की तरफ है। पीड़ित महिला नाजिया करीम ने अपने पुत्र को अज्ञात व्यक्ति के साथ दुकान को ढूंढने भेजा, पर आगे जाते ही व्यक्ति कहीं गायब हो गया। उसके बाद पीड़ित महिला और उसका पुत्र गाड़ी का पंचर बनाने में जुट गए, जिसके बाद महिला ने देखा गाड़ी की आगे की सीट पर रखा पर्स गायब था। पीड़ित महिला ने अगल बगल दुकानदारों को बताया, मेरी गाड़ी से पर्स गायब हो गया, जिसमें कुछ कैश कुछ गहने रखे थे। दिन दहाड़े हुई चोरी को सुनकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। इसके बाद शाहगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर रविवार को मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।